Assalamualaikum, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो है गुरुदेव के जीवन की सच्चाई घटनाएं। मतलब कि गुरुदेव जो हैं बागेश्वर धाम के, आजकल बहुत ज्यादा वायरल हैं और उन्हीं की वीडियो आज हम लेकर आए हैं। और इस वीडियो में देखेंगे कि उनकी क्या लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस रहे, क्या उन्होंने कुछ फेस किया, क्योंकि हर एक की जिंदगी होती है उसमें बहुत कुछ उनको फेस करना पड़ता है। सेम वैसे ही बाबा ने भी बहुत कुछ फेस किया। चलकर देख लेते हैं, उनकी लाइफ के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, हियर वी गो। हमारी माँ कहती थी, बेटा हम लोग गरीब जरूर हैं परंतु बेटा जब भी तुम घर से निकलना मुस्कुराते हुए निकलना, दुनिया को ये पता ना लगे कि हम लोग भूखे हैं। माँ के एक शब्द चोट कर गए थे। माँ ने कहा था, बेटा धैर्य रखो, ईश्वर सब देख रहा है। एक दिन सारी माँ ऐसे ही बोलती हैं। बारिश आती थी ना, जब श्रीमान जी जब बारिश आती थी ना, हमारे घर पे आफत आती थी। आफत क्योंकि एक छोटा सा कमरा था, वो भी अच्छा पानी आता था घर में। पलंग के नीचे छिप करके हम तीनों भाई बहन रहते थे पूरी बारिश में। और इतनी अवहेलनाएं सही, इतनी अवहेलनाएं सही, लोग खिल्ली उड़ाते थे। बड़ा पुजारी बना, चंदन लगाते थे तो लोग खिल्ली उड़ाते। बड़ा पुजारी बना, फटे कपड़े पहने घूम रहा है, कुछ नहीं बोलते थे। क्या बोले, क्या कहें, किसको कहें, शायद भगवान ही हंस रहा। हमको भागवत पढ़ने के लिए वृंदावन जाना था बचपन में, अवस्था छोटी सी थी। तो वृंदावन जाने के लिए हमको 2000 रुपए की आवश्यकता पड़ी। आज भी वो दिमाग में चोट है हमारे। हमको वृंदावन जाने के लिए 50 जगहों पर उधार मांगा, हमको 2000 रुपए उधार नहीं मिले। क्यों? क्योंकि अगर उधार दे देते तो शायद हम चुका नहीं पाते। ये जमाना बड़ा उल्टा है यारो। ये बात भी इस जमाने है। में उधार भी उसी को दिया जाता जो अमीर हो। वो अंधेरी गलियां, वो लोगों का हंसना, त्योहार आते थे तो लगता था क्या करें। दीपावली आती थी, सबके बच्चे नए कपड़े, मिठाई, पटाखे। हमारी आप दशा सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये दशा हम आपको इमोशनल के लिए बात नहीं कर रहे, हम ये दशा बता रहे हैं कि जब हमारी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है तो तुम्हारी जिंदगी में क्यों नहीं। हमने अपनी जिंदगी में जब दीपावली आती थी तो सबके बच्चे, पहले के जमाने में काशीराम नाम का एक पटाखा चलता था, हमें आज भी याद है पूरा एक एक बाकिया हमारे मन मस्तिष्क में आज भी भरा, आज भी हम भूले नहीं। और ईश्वर करे वो दिन कभी हम भूले भी ना। तो जो पटाखे चलते थे काशीराम, उन पटाखों को जब रात को सब जला लेते थे, सुबह होती थी तो हम सुबह जो है रस्ते में गलियों में निकलते थे कि रात को शायद किसी का कोई ऐसा पटाखा गिर गया हो, अंधेरे में चल ना पाया हो, वो फूट ना पाया हो, तो वो मिल जाए तो हम उसको चलाएंगे, फिर खुशी मनाएंगे। चार सौ पांच सौ फूके हुए पटाखे का खोखा देखने के बाद एक आध मिलता था, आकर के हम माँ को बताते थे, माँ हमको डला हुआ पटाखा मिल गया। भगवान करे वो दिन किसी की जिंदगी में ना आवे। भगवान करे आप सबकी जिंदगी में खूब खुशियां आए, खूब
डूब रहे हैं। किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना, इन दुनिया वालों से कभी अपेक्षा मत रखना। पुलिस वाला भी रो रहा है, मत रखना। ये दुनिया तुम्हारी अवहेलना के अलावा कुछ नहीं करेगी। तुम्हारी आपको आगे ये दुनिया के पास तुम कुछ भी आशा लेकर जाओगे, तुम्हें सीढ़ी बनाएगी। तुम अपेक्षा रखना तो ईश्वर पर रखना। हमारी जिंदगी का निजी भाव है मेरे प्यारे, हमने अपने बालाजी को नहीं छोड़ा, उसका ऐसा चमत्कार है कि वो दिन है कि आज का दिन। गढ़ा 5 किलोमीटर है मेन हाईवे से हमारा गांव, गढ़ा गांव जहां हम रहे। अब तो ठीक है, समय अलग हो गया, वो पक्का रोड नहीं था, पैदल जाते थे 5 किलोमीटर। सबके पास तो पहले साइकिल होती थी, हम पढ़ने जाते थे तो पैदल, अवस्था 9 साल 10 साल पैदल 5 किलोमीटर। लेकिन पूरे रास्ते पर एक क्रम था हमारा, रास्ते में जाते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाते थे, वापिस आते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आते थे। दुख कुछ नहीं, बस कभी कभी दुख होता था जब हमारे हमसे छोटा एक भाई है, छोटी बहन भी है, उसकी शादी आदि में जब उपद्रव हुए, संपत्ति नहीं थी, धन नहीं था, रुपया नहीं था, उधार खूब मांगा, कुछ नहीं मिला। तो हमारे यहाँ पर 2-3 पशुएं थी, पशु उनको बेचा, तब जाकर बहन का विवाह में कुछ व्यवस्था हो पाई। लेकिन उसी दिन हमने प्रण लिया था बालाजी के सामने, बालाजी हमारी जिंदगी में कभी दौड़ आएगी अगर गुरु ने चाहा, जिस पे गिरती है वो महसूस करता है इस चीज को, दूसरों के दर्द को। जैसे हमें अपनी बहन की विवाह के लिए दर दर ठोकर खानी पड़ी रुपयों के लिए, बालाजी कभी सामर्थ्यता देना तो हम चाहते हैं कि कोई भी भाई हमारे जैसा दुख ना पावे। उस वक्त आपको बताओ पता होगा, वैसे सर्वविदित है पूरे जगत, इन्होंने जिक्र किया था। उस वक्त हमारी मदद एक मुझे याद है, भाई ने की थी जो जिनका नाम शेख मुबारक है, मित्र मतलब दोस्त। हाँ, जाति से मुसलमान थे लेकिन वो हमारे मित्र थे बचपन के। हमारी बहन का जब विवाह था तो हमको 20,000 रुपयों की जरूरत थी। उस आदमी ने बिना सोचे ये चुकाएंगे कि नहीं, बाकी हम अपनों की और सबकी बात बता रहे हैं, जगत में झूठी देखी प्रीत। एक भाई पर क्या गुजरता है, गुजरती है कोई भाई जानता है। भूखे का कोई नहीं होता, त्योहार आते हैं तो सबके घर में खुशियां मनती। आज तुम लोग यहां पहुंच गए तो तुम्हें लगता है अरे त्योहार है, इस बार थोड़ा सेलिब्रेट और अलग ढंग से करें, बड़े ढंग से करें। कभी जिंदगी जी कर देखना उन गरीबों की, जिनके त्योहार पूरी भी बन जाए तो वो उस दिन को त्योहार मान लेते हैं। परमात्मा गरीब का सिर्फ परमात्मा होता, सिर्फ ईश्वर। एक पजामा पहनते थे, एक पजामा खूब, अब तो कई दिनों से पहना, एक पजामा था हमारे पास, वही धुलकर रात को सूखने डाल देते थे। सर्फ एक्सल निर्मा तो हुआ नहीं, सपने में नहीं हमको मिला, उसी को पानी में, सादा पानी में धोकर के डाल देते थे सुखाने, सुबह उसी को पहन करके स्कूल जाते थे। तो रोज बच्चे चिढ़ाते थे, रोज रोज एक ही कपड़े पहन के आ जाते हो गर्ग जी, हमको गाँव में गर्ग जी कहते। हम कहते थे भैया नहीं, झूठ बोलते थे, क्या करें भैया, तुम्हें लगता है ये कल दूसरा पजामा था, हमें पजामा बहुत अच्छे लगते हैं ना इसलिए हम वही पहनते। अच्छा तो पैंट क्यों, हमको पजामा बहुत अच्छे लगते, शौक तो था, मन तो था रोज बदल कर पहने, पर मजबूरी भी तो थी। क्या करते, मजबूरी भी तो थी, और लोग तो अवहेलना करते थे, लोग तो ताने देते थे, बड़े भगवान के बने हो क्या कर लिया भगवान ने, हमारी माँ का क्या कहना, धन्य है मेरी माँ, ये माँ का ज्ञान हम तुमको दे रहे हैं। हमारी माँ का क्या कहना, माँ कहती थी बेटा
प्रभु को मत भूलना, एक दिन अपना भी समय आएगा। इसीलिए तो हमने बताया आपको, इसीलिए तो हम चाहते तो बागेश्वर धाम पर खूब समुदाय आता, लाखों रुपया आते। लोगों को लगता है गुरुजी बहुत अमीर आदमी, ठीक है आपकी भावना, भगवान ईश्वर जय जय करे, लाखों रुपए ठीक है आते, दान पेटी में खूब रुपया आता है। लेकिन हमने सोचा अगर दान पेटी का रुपया हम रखेंगे तो बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे, बड़े बड़े भवन हो जाएंगे, गाड़ियां हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तब हमने प्रण लिया कि जैसे हमने बहन के विवाह में दुख भोगा, कोई ना भोगे, गरीब बच्चों बेटियों की रुपयों से गरीब बेटियों का विवाह करवाएंगे। और आज भगवान की कृपा है, हर साल बेटियों का विवाह हो रहा है। 2023 में भी 18 फरवरी को 121 बेटियों का विवाह हो रहा है। ऐसी बेटियां जिनके भाई नहीं। जब हमने दुख झेल लिया, बहुत से समसे जुड़ गए, बड़े बड़े लोग जुड़ गए, तो बोले गुरुजी कुछ सेवा बताओ। हमने कहा अगर हम रुपयों की सेवा देंगे तो चूक जाएंगे, अगर हम रुपया मांगेंगे, कोई धन दौलत गाड़ी मांगेंगे तो हम चूक जाएंगे, बहुत जल्दी और जैसे गुरु हैं उनके जैसे हो जाएंगे। हमने तुरंत संकल्प लिया, 3 साल से लगातार प्रतिदिन भंडारा चल रहा है। हम धाम पर रहे ना रहे, ये भंडारा मतलब आज भी ऐसा नहीं, धाम आज भी कई दिन ऐसे आ जाते हैं कि उठा पटक करनी पड़ती, उधार उठाना पड़ता, कर्ज लेना पड़ता। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है भैया, वो दिन और आज का दिन, आज तक हम दोनों दिनों में कभी हम भूले नहीं। तो भगवान की ऐसी कृपा है कि कभी भी भगवान हमारी नाक नहीं काटा, कोई ना हो उसके घर तुम जरूर जाना। अमीरों के बहुत हैं, तुम सिर्फ प्रोटोकॉल निभाते हो, तुम सिर्फ चमक धमक देखते हो, ये तुम्हारी धूर्तता है। हम तुम्हें ये समझाने के लिए अपनी आप बीती बताए मेरे प्यारे, कि तुम पद के चक्कर में, नाम के चक्कर में, चमक के चक्कर में छोटे छोटे लोगों को धक्का देकर के न जाने उसके साथ क्या शोषण होता है। प्यारे हो सके तो कभी अपने दिन को याद करके उनको गले लगा कर देखना। तुम बड़े बनो लेकिन इतने बड़े मत बनो कि कोई गरीब ना मिल पाए, तुम इतने बड़े बनो कि कोई दीनहीन तुम्हारे बगल में खड़ा हो तो वो भी अपने आप को बड़ा मानने लगे। तुम इतने बड़े बनो मेरे प्यारे, बनना है। और आज की कथा में जितने भी हमारे पागल बैठे, अगर तुम हमको मानते हो बुरा मत मानना, भगवान की खूब कृपा है हम पर, तुम लोग हो, हमें कुछ जरूरत नहीं। लोग कुछ भी बोल रहे हैं वो बात अलग है, सच ये है हमें कुछ जरूरत नहीं। तुम लोगों से बड़ी हमारी कोई संपत्ति नहीं है। तो कभी भी मौका मिले ना, तुम्हारे लिए 2400 घंटे बागेश्वर धाम का दरबार खुला है, चले आ। कोई जब साथ ना देना, हम भी शायद ना दे पाएंगे साथ, लेकिन जिनसे उनको पकड़ लो, मतलब हनुमान जी को पकड़ लो, उनका साथ दो, तुम भी सब कुछ पा जाओ, तो आप भी हर चीज में कामयाब हो जाओगे। ये बात तो सच है, बागेश्वर धाम जो है उसमें कहते हैं कि गरीब लड़कियों की शादी करवाई, इतने लोगों को खाना खिलाना, भंडारा, मतलब के हर मुश्किल के वक्त जो है लोगों ने उनका साथ दिया। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आपने इस वीडियो में वॉच किया कि किस तरह से बागेश्वर धाम में जो है बाबा ने अपनी एक लाइफ को, एक्सपीरियंस को शेयर किया है। और ये बात देखें, हम ये नहीं कहते कि किसी की अगर इस तरह की स्टोरी सुने तो हम कहेंगे कि यार वो गरीब था या उसकी बैकग्राउंड ऐसा था तो वो, मतलब कि उसकी रिस्पेक्ट कम नहीं हो जाती, बल्कि मैं कहती हूँ कि ऐसी स्टोरी सुनने के बाद दिल से एक रिस्पेक्ट बनती है ऐसे लोगों के लिए कि उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि हम हारे नहीं ऐसे हालात से, हमने कुछ करके दिखाया है और आज हम करके दिखा रहे हैं। तो मैं ये कह सकती हूं कि आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे बागेश्वर धाम से इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, एक बहुत सारी रिस्पेक्ट बन रही है। और सनातन धर्म के लिए तो वैसे ही मेरे दिल से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है और मैं हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ, और काफी कुछ जानने को भी मिलता है इनसे। आज की इस वीडियो में एक ये हमारे लिए मोटिवेशन है, और इसमें एक लेसन भी है कि किसी गरीब की आप मदद करो, उसको अकेला मत छोड़ो, इतने बड़े बन जाओ कि लोग आपके आपके होते हुए कोई गरीब ना रहे। अगर आपके पास कुछ है देने को तो आप
खुले हाथ से दो और उसको रिस्पेक्ट करो, और वो चीज आज की इस वीडियो में हमने वॉच किया। तो आई एम वेरी हैप्पी कि बाबा से हमें ये सीखने को मिला, और मैं भी अपने आसपास हमेशा लोगों की हेल्प करती हूँ, एक इमोशनल वाइब्स आती हैं, क्योंकि हम, मुझे लगता है कि जब हम लोगों की तकलीफें सुनते हैं ना, तो लोगों की परेशानियां सुनते हैं, तो फील होता है कि यार कोई ऐसा वक्त था, हमने भी तो ऐसा वक्त देखा ही है ना, हर किसी ने ऐसी मुश्किलात देखी होती हैं, स्पेशली मिडिल क्लास और पुअर क्लास फैमिली जो होती है उन्होंने बहुत ज्यादा देखा होता है। अपर लेवल वालों को क्या मालूम हो कि तकलीफ, गरीब की तकलीफ क्या होती है, उनको तो सोने के चम्मच में खाने को मिला हुआ होता है, वो नहीं फील कर सकते। जो इस दौर से गुजरा होता है ना, उनको फील होता है। बाबा ने बताया कि मैं कपड़े भी सर्फ से नहीं धोता था, एक ही होता था, उसको खाली पानी से धोता था, तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन गुर्बत है ना, गुर्बत तो मार देती है अच्छे खासों को। खाने की बात में भी कि खाने का मसला होता था, पैदल चल के 5-5 किलोमीटर स्कूल जाया करते थे, क्योंकि गांव था, मोटरवे दूर था। लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन गरीबों की, अमीरों को क्या है, अमीरों को तो कोई मसला नहीं है। तो ऐसे लोग ही दूसरों की तकलीफ को समझ सकते हैं। जैसे उनकी बहन की शादी के लिए उनको पैसों की जरूरत थी, 20,000, उस टाइम पे 20,000 बहुत होते हैं, बहुत वैल्यू रखते थे। आज के दौर में 20,000 तो छोटे बच्चे के पास भी होते हैं, 20,000 उस दौर में लाखों की बातें करते थे लोग, जमीनें 20,000 में मिल जाती थी। इनको उनके दोस्त ने मदद की, और ऐसे दोस्त भी होते हैं, और मैं कहती हूँ कि ऐसे लोग उन हजार दोस्तों से बेहतर हैं जो वक्त आने पर मुंह फेर लें। ऐसे दोस्त वही होते हैं जो आपकी मदद करें मुश्किल वक्त में। बाबा की भी मुश्किल वक्त में इन्होंने मदद की, हेल्प किया, उनको पैसे दिए, तो मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छी बात है, और ऐसे दोस्त हर किसी की जिंदगी में होने चाहिए। तो बाबा ने उस टाइम से ये एम किया कि उनकी जो आज जो भी बच्चियां होंगी उनकी शादी मैं कराऊंगा, और ये एक अच्छी बात है। बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो घरों में बैठी हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं सिर्फ जहेज की वजह से, जो कि एक लानत है। जहेज की लालच में लोग रिश्ते नहीं लेते, उनको तो भरी हुई गाड़ी और भरे हुए ट्रॉलियां चाहिए कि भाई ट्रक आए हमारे घरों में सामान के, फिर भी उनके मुंह में खुशी नहीं होती है। तो मैं कहती हूँ कि जहेज जैसी चीजों की वजह से ही हमारे आज की जो गरीब घरों की बच्चियां हैं वो बेचारियां बैठी हुई हैं घरों में। तो बाबा की बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अपने ऊपर यूज करने के बजाय वही पैसे जो इनको मिलते हैं, वही पैसे ये दूसरों की बेटियों को जो है वो उनकी शादियां कराते हैं, और इसके अलावा गरीबों को भंडारा भी खिलाते हैं, या जो धाम पे आता है उनको खिलाते पिलाते हैं। ये एक अच्छी बात है जिसके लिए मेरे दिल से रिस्पेक्ट बढ़ गई है। सो फ्रेंड्स, आप लोग इसके ऊपर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई नो कि ये आप लोगों की लाइफ में भी एक ऐसा बैड एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हुए होंगे, कुछ लोग शेयर करते हैं कुछ लोग नहीं करते। तो आई थिंक ये बाबा ने ये शेयर किया है, तो इससे एक हमें मोटिवेशन मिली है, लोगों के लिए हमें जानने को मिला है कि एक्चुअली रियल लाइफ में ये होता क्या है। सो फ्रेंड्स, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, आपकी राय जानना चाहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लॉज ऑफ लव एंड